हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस विक्रेता व्लॉग्स में। और जी देखिए, अभी ये दादी पोती यहाँ पर खेल रहे थे के, क्योंकि हम अंदर पेंट कर रहे थे, अभी इन्होंने छोटी सी क्लिप शूट की थी है और सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है। एक बार बस काम बिखेर लो, उसके बाद उसे समेटना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये काम कब कंप्लीट होगा, इससे अच्छा तो पेंट ना करते तो ही सही था। कि बहुत ज़्यादा थक गए थे काम करते करते और अब काम करने का मन भी नहीं कर रहा था इतना। तो देखिए ये वाला रूम भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे पेंट करने के बाद पूरा लुक रूम का बहुत ही अच्छा दिख रहा था और लाइट रात में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सारा कलर। तो उसके बाद जो मेरा रूम है वो कंप्लीट हो चुका था और मैं इसमें लग गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। और पेंट इतना ज़्यादा बिखेर दिया था इन्होंने कि बस पूछो ही ना। उसे साफ़ करते करते मेरा तो हाथ भी दुखने लग गए थे कि फिर बाद में मैंने इस पर टाइट क्लीनर डाला और उसको कि हो तो गया था आसानी से साफ, लेकिन बहुत ज़्यादा था इसलिए 2-3 बार तो इसमें मैंने पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि बार बार में फिर वो वाइट वाइट ही दिख रहा था। और अभी रूम को धो नहीं सकते थे, अगर टाइल क्लीनर डाल के धो देते तो वो आराम से साफ़ हो जाता है, धो नहीं सकते थे। आपको पता है कि बाहर सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है तो ये धोया तो बाद में पड़ेगा। तो मैंने दूसरी साइड से भी देखो टाइल क्लीनर डाल दिया और जो इसकी फुहारा वाली ब्रश थी एक है ना, कम काम कर रही थी, इसमें से ना थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा था जो कि मेरे हाथ पर लग रहा था। और हाथ पर लगने के बाद ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी और ग्लव्स मैंने पहन नहीं थी, क्योंकि ग्लव्स पहन के फिर जल्दी जल्दी से नहीं हो रहा था, ये बहुत टाइम लग जाता धीरे धीरे से, क्योंकि फिर हाथ में कुछ भी पकड़ा नहीं जा रहा था, अजीब सा लग रहा था। तो ग्लव्स मैंने खोल दिए थे और मैं ऐसे करने लगी थी तो बीच बीच में बस मैं पानी से हाथ धो रही थी और फिर दोबारा से कर रही थी कि ये साफ़। तो देखिए जो पत्ती है इससे बस धीरे धीरे हल्के हल्के ऐसे फेर रहे थे कि तो ये अच्छे से साफ़ होते जा रही थी, कि इतना मुश्किल नहीं था इसे साफ़ करना। वैसे पेंट तो बहुत सारा था का। तो देखिए जी यहाँ पर मैंने इसको धीरे धीरे से पूरे पेंट को साफ़ कर दिया है और ये पेंट साफ़ करने करने मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि एक बार काम जो बिखरता वो काम दिखता नहीं है उस टाइम तो, और बाद में जब इसको समेटते हैं पेंट से भारी काम तब ये लग रहा था। इसे छुटा कर साफ़ करना अगर कहीं भी थोड़ा थोड़ा सा लगा रहता है तो वो फिर बाद में दिखता ही रहता है। तो मैंने बस इसको अच्छे से साफ़ किया ताकि एक बार ये अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि अब तो थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन फिर रोज़ रोज़ ये नहीं लगेगा यार रह गया यार रह गया। तो देखिए पूरा साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से और अभी घर को धो नहीं सकते थे क्योंकि बाहर सारा सामान पड़ा हुआ था। तो बस मैंने इसमें टायर क्लीनर से अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से इस पर पोछा लगा लेता ताकि ये बाद में फिर वाइट वाइट सा ना दिखे। और जहाँ जहाँ से रह रहा था मैं वहाँ वहाँ से साथ साथ उतार रही थी से। तो पूरा रूम क्लीन करने के बाद हम लग गए थे बेड क्लीन करने में और मेरे बेड पर इन्होंने बहुत सारा डाल दिया था। ये पेंट है वो बाहर तो निकाला नहीं बेड का ये, और यही करते रहे तो वैसे फिर इस पर बहुत सारा जमा हो गया था ये। और ये अच्छे से साफ़ भी नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ बहुत देर तक रगड़ते रहने के बाद, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा बच गया था। रैग जिन थी वो तो साफ़ हो गई थी कि, लेकिन जो ऊपर से लकड़ी का था ना वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बचता था पेंट, तो वो देखते हैं किससे साफ़ होगा, अब पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। और काम करते करते हालत इतनी ढीली हो गई थी बस पूछो ही ना। दिन में इनको तो बुखार भी आ गया था, दिन में इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फिर इन्होंने दवाई लेकर थोड़ी देर आराम किया उसके बाद थोड़ा अच्छा फील होने लगा। और फिर रात में मैं इतनी थक गई थी कि मुझे भी फिर से बुखार आ गया। तो जिस टाइम मैं आवाज़ भरी थी उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ही ढीली थी, क्योंकि आपको पता है एक तो काम कर करके थक जाए फिर ऊपर से बच्चे परेशान करें तो तबीयत वैसे भी ढीली हो जाती है। और मम्मी इस वाले रूम में सफाई कर रही थी क्योंकि इस रूम में जो ना थोड़ा कम सा ही बिखरा था, मेरे रूम में ज़्यादा बिखेर दिया था इन्होंने। इस रूम में बिखरा था पेंट पर थोड़ा कम तागा और उतार देंगे इसमें धीरे धीरे से बाद में, क्योंकि आज ही तो इसका सामान बाहर निकाला है और वैसे भी छोटा रूम है ये, इस पर तो हम किसी कठोर चीज़ से भी उतार सकते हैं, लेकिन टाइल्स पर तो फिर जो स्क्रैच के निशान भी गिर जाते, तो इसलिए वहाँ को बहुत आराम आराम से उतारा। फिर मैं इनसे बोल रही थी कि बेड का मुझसे तो नहीं उतर रहा, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है। तो फिर ये भी लग गए थे उतरवाने के लिए, चल मैं उतरवा देता हूँ जितना उतरता है। और जहाँ से ही उतार रहे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं उतरा, फिर बाद में छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं अभी पड़ा रहेगा, बाद में कभी साफ़ होगा तो हो जाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको रूम का पेंट कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कल ये वाइट वाइट सा दिख रहा था तो पापा ने मना कर दिया कि इतना लाइट कलर मत करो वाइट वाइट सा, तो फिर ये थोड़ा और डार्क करवा के ले आए थे ये कलर। पहले इसका सेट था ऑफ वाइट कलर, लेकिन फिर इसको इन्होंने इसको इस क्रीम सा कलर है इस ये बनवा लिया उससे, कि पापा को पसंद नहीं आया था वाइट वाइट कलर। और हम बस यही बातें कर रहे थे कि पेंट की कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, वहाँ से दिख रहा है वहाँ से नहीं दिख रहा है, अभी यही बातें कर रहे थे आपस में।
और जब मम्मी वहां से सोना से आई बुआ जी के घर से, तो मम्मी ने आके देखा कि ये वाले पेंट क्या था, मम्मी को भी पसंद नहीं आया, बोल रही कि ये रेड कलर तो बहुत, ये रेड कलर तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, और जो ये जो क्रीम क्रीम कलर है इसे तो और डार्क करवाना था, ये तो येल्लो कलर करना था। तो मम्मी बार बार में लड़ाई कर रही थी हमसे कि ये तो येल्लो करना था, ऐसा नहीं है, मुझे पसंद नहीं आया ये कलर, ये पीला वाला तो बहुत ही फिक्का लग रहा है, ये रेड कलर क्या कोई अच्छा लगेगा? तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कलर कैसा लगा। और इस कलर में चॉइस थी मेरी और मेरे देवर जी की कि हमें पसंद आया था ये कलर, तो हमने यही करवाया था। तो देखिए जी, अभी सारा रूम का सामान है वो सेट कर दिया एक बार मोटा मोटा सा, और देखिए जी एक बार मोटा मोटा सा सामान रख दिया उठा उठा कर के, बाद में आराम से अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर अभी जल्दबाजी में करेंगे तो फिर सामान ऐसे बिखरा, कहीं कुछ ऐसे रखा जाएगा, तो फिर हम इसे कल दिन में आराम से एक एक करके अच्छे से सेट कर लेंगे। और इस रूम में भी देखिए हमने गद्दे वद्दे डाल दिए है, और जो सामान है वो बाहर से ला के अंदर रख दिया है। तो चलिए जी करते अपने ब्लॉग का एंड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।